हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम क्लासेस पर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री, और ये क्लास 12th की केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैनल पर। क्लास 12th केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं। और केमिस्ट्री में फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम एक एक करके पूरी केमिस्ट्री को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चैनल पर। कम्प्लीटली फुल्ली एक्सप्लेन किया जाएगा एनसीईआरटी को। और देखिए, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको एम क्लासेस के ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी, वो भी निःशुल्क। तो हमसे जुड़े रहिए और देखिए, एक एक करके हम सभी चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है चैप्टर नंबर 6, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर। देखिए, हेलो वर्ड आपको देखने को मिला है एल्केन के साथ, और हेलो वर्ड आपको देखने को मिला है एरीन्स के साथ, है ना। तो सबसे पहले ये एरीन है और यहाँ एल्केन है। तो हेलो यहाँ पर कॉमन वर्ड है। हेलो का जो मीनिंग है वो यहाँ पर हेलोजन ग्रुप से है। किससे है? हेलोजन ग्रुप से है। जबकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो एल्केन एंड एरीन, ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों के दोनों हाइड्रोकार्बन है। क्या हैं? हाइड्रो कार्बन है। देखिए, एल्केन कुछ वर्ड हैं जो आपको बार बार आने वाले हैं। जो एल्केन होते हैं इन्हें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जबकि जो एरीन होते हैं एरीन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है ना। तो और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं ना। ये तो आप क्लास 11th में आप पढ़ के आ ही रहे हो कि जो हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोजन एंड कार्बन्स कंपाउंड। ये कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स। तो ये स्टार्टिंग होते हैं जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, हेलो एल्केन है, हेलो वर्ड। तो हेलोजन जो ग्रुप है, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप में हमको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मोस्टली देखने को मिलते हैं। देखिए, तो जो हेलो एल्केन की सबसे पहले जैसे हम बात करें, हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन का जो फॉर्मेशन वो कैसे होता है कि जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स वन या मोर, वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय एन हेलोजन और मोर देन वन हेलोजन ग्रुप। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? इनका फॉर्मेशन होता है एल्केन का जो वन और मोर हाइड्रोजन एटम होते हैं, यानी कि एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन के जो एटम है एल्केन्स के, उनको रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा? एक हेलोजन ग्रुप के द्वारा, यहाँ पर
एक हेलोजन ग्रुप की बात हुई है, तो वन हेलोजन और मोर देन वन हेलोजन ग्रुप है ना, तो एक या एक से ज्यादा जो ग्रुप का रिप्लेसमेंट होता है किसके द्वारा, हेलोजन ग्रुप के द्वारा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर CH4, CH4 क्या है, ये है मैथेन, है ना, मैथेन। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक जैसे क्लोरीन ले लेते हैं, तो क्लोरीन क्या करता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और ये हो जाता है CH3, उसके स्थान पर Cl। इस तरह से होता है, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ जो देखना है वो ये है कि स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ये कार्बन है और इसके पास चार हाइड्रोजन थे और इसमें से एक जो हाइड्रोजन है उसको इस Cl ने रिप्लेस कर दिया है इसके स्थान पर, यहाँ से इसने इसको रिप्लेस कर दिया है ना, रिप्लेस किया, तो यहाँ पर हमको देखने को मिला वन Cl यहाँ ऐड हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, जैसे एक से ज़्यादा Cl भी आ सकते हैं, जैसे अभी अभी हम देखें तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम है एथेन। तो इसके साथ जब हमने Cl2 को रखा, रिएक्शन है, हम देखेंगे आगे चल के कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे CH2 इधर Cl आ गया और CH2 यहाँ भी Cl आ गया है ना, तो यहाँ पर क्या क्या हुआ कि दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से ये भी क्या है, हेलो एल्केन ही है, बस यहाँ पर ये डाई हेलो एल्केन, क्योंकि दो हेलो यहाँ पर आ चुके हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो ये वाली कंडीशन है हमको इस तरह से भी देखने को मिलती है कि एक ही कार्बन के जो दो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर इधर Cl आ गया, एक Cl यहाँ आ गया और ये CH3, तो ये भी क्या है, हेलोजन की। तो मेजली हम अपनी जो डेफिनेशन है उस पर आते हैं। डेफिनेशन क्या है कि एल्केन्स वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस बाय वन हेलोजन और मोर देन वन हेलोजन ग्रुप या एटम। एटम है ना, एक या एक से ज्यादा एटम्स के द्वारा किसका रिप्लेसमेंट कर दिया जाए, हाइड्रोजन के द्वारा। और इसी तरह से हम यहाँ पर देखो, हेलो एल्केन में क्या होता है, जो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप हेलोजन ग्रुप बाइंड विथ SP3 हाइब्रिड कार्बन। यहाँ पर जो हेलो एल्केन में हेलोजन ग्रुप जो होता है वो क्या, किस कौन से कार्बन से बाइंड होता है, वो बाइंड होता है SP3 हाइब्रिडाइज, जो कार्बन SP3 हाइब्रिडाइज होता है उससे हेलोजन ग्रुप बाइंड होता है। फिर बात करते हैं हेलो एरीन्स की, तो हेलो एरीन्स में भी, हेलो एरीन्स में क्या है, एरीन्स वन हाइड्रोजन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय वन और मोर हेलोजन एटम्स।
यहाँ पे हेलो एरेंज में भी हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट है वो किसके द्वारा हो रहा है? हेलोजन के द्वारा हो रहा है। तो रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो रहा है? हेलोजन के द्वारा हो रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, जैसे हम बेंजीन की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये वाले स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को मिलेगी इस तरह से। ये इधर डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। इसके साथ इस तरह से हम Cl2 रखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पर Cl ऐड हो जाता है और एक HCl निकल भी जाता है। अभी बात करें ये वाली इस स्ट्रक्चर की, तो हम जानते हैं कि ये बनी किस तरह से है। तो यहाँ CH2 होता है, ये यहाँ डबल बॉन्ड होता है, इधर CH2 होता है, CH हो गया इधर है ना। फिर यहाँ हम देखते हैं इधर CH है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, इधर CH है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है और यहाँ CH है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो यहाँ पर हमने किसको ऐड किया है? Cl को ऐड किया है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको किसके द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है? इसको जो हाइड्रोजन ग्रुप है क्लोरीन के वन एटम के द्वारा रिप्लेस किया। देखिए एक बार इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर है और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर है। देखिए तो अब ये हो रहा है यहाँ पर रिप्लेसमेंट। ये वाला जो कार्बन है इसके पास एक Cl आ जाता है ना। बाकी की जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहती है इस तरह से। इधर डबल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ भी CH, यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगी। यहाँ पर एक Cl ने क्या किया है, एक हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस कर दिया। आपको दिख रहा होगा दोनों ही स्ट्रक्चर्स में, यहाँ हमने बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है उसको ओपनली किया हुआ है। तो इस तरह से आपको ये दिख रहा होगा किस तरह से अब इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हेलो एरिन। ये क्या है? हेलो एरिन। इसका नाम हो जाएगा हेलो एरिन। और ये जो हमने बनाया था ये क्या है? ये है हेलो एल्केन्स। ये सारे हेलो एल्केन्स हैं। ये क्या है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि हेलो एल्केन क्या होता है? हेलोजन ग्रुप बाइंड विद sp3 हाइब्रिड कार्बन। तो यहाँ पर जो होता है हेलो एरिन्स में, हेलो एरिन्स की बात करें हम, तो हेलो एरिन्स में क्या होता है कि हेलोजन एटम बाइंड विथ sp2 हाइब्रिड कार्बन। यहाँ पर क्या होता है जो हेलोजन ग्रुप है किसके साथ बाइंड होता है? वो मोस्टली sp2 हाइब्रिड कार्बन से बाइंड होता है, क्योंकि हम जानते हैं बेंजीन का एवरी जो कार्बन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिड है। कैसा है? यहाँ पर सभी कैसे हैं? sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। सभी sp2 हाइब्रिड कार्बन्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो आप जो हेलोजन ग्रुप है वो sp2 से
बाइंड हुआ है। और यहाँ जो है देखिए, ये सभी कैसे हैं, ये sp3 है, यहाँ भी sp3 है, और ये दोनों भी sp3 है। तो हेलोजन यहाँ पर sp3 जो हाइब्रिड कार्बन है उससे बाइंड होता है। तो ये वाली बातें तो हुई, सिंपल बातें हुई। उसके बाद देखिए, यहाँ पर नेचर में काफ़ी सारे जो हेलोजन ग्रुप है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा है ना, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, हम वो यूजेज में पढ़ लेंगे कि काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं जो, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स यहाँ पर एग्जांपल के रूप में हम देखें, एंटीबायोटिक्स जो क्या है, क्लोरीन या हेलोजन, हेलो का एल्केन है, जैसे देखो क्लोरेम्फेनिकोल है, क्लोरेम्फेनिकोल यहाँ पर क्या है, एक एंटीबॉडी है, ये क्या है, एक एंटीबॉडी, क्लोरेम्फेनिकोल, ये क्या है, सॉरी एंटीबॉडी नहीं, एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक जो डॉक्टर्स हमको देता है जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो, है ना। और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। हार्मोन की बात करें तो यहाँ पर थायरोक्सीन हार्मोन है, जिसमें क्या होता है, आयोडीन होता है ना। यहाँ पर क्लोरीन होता है हार्मोन हो जाते हैं, काफ़ी सारे हैं ऐसे। और आप जानते भी हो कि अगर इसकी थायरोक्सीन की कमी से, है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन, अगर थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, गोइटर जो डिजीज है वो हो जाता है, इसमें थायराइड ग्रंथि स्वेल हो जाती है ना, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। देखो एक और जो कंपाउंड की बात करें जिसका नाम है, देखिए मलेरिया जो है, मलेरिया डिजीज है ना, मलेरिया डिजीज में एक जो औषधि है उसका यूज किया जाता है, जिसका नाम है क्लोरो क्विनीन, क्या है, क्लोरो क्विनीन, वो जो किससे बना है वो भी क्लोरीन का ही एक कंपाउंड है, क्लोरो क्विनीन, ये एक क्लोरो कंपाउंड है, क्लोरो कंपाउंड है ये, है ना, जो मलेरिया डिजीज में इसकी ये इसका यूज किया जाता है, एक तरह के एंटीबायोटिक का ही काम करती है ना। और देखिए यहाँ पर और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे हेलोफॉर्म होता है CH, जिसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 होता है ना, और आयोडोफॉर्म भी होते हैं CHI3 होता है ना। तो यहाँ पर जो इनका उपयोग है, मोस्टली इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, एनेस्थेटिक यूज इन सर्जिकल मेथड। तो हॉस्पिटल्स में जब सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पर एनेस्थेटिक के रूप में क्लोरोफॉर्म और ये आयोडोफॉर्म, मोस्टली क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। आयोडोफॉर्म जो है ये होता है एंटीसेप्टिक होता है, कैसा होता है, एंटीसेप्टिक होता है, ये एंटीसेप्टिक होता है, ये कैसा होता है, एंटीसेप्टिक होता है। और क्लोरोफॉर्म का जो यूज है वो किसके रूप में किया जाता है, एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, सर्जिकल मेथड जब यूज किया जाता है तो, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म।
तो ये कुछ आप देख रहे हो, एंटीबायोटिक्स के रूप में क्लोरेफेनिकोल का यूज किया जाता है। जो हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, इसमें आयोडीन होता है, इसकी डेफिशिएंसी से गोइटर डिजीज हो जाता है। गोइटर डिजीज हो जाता है और मलेरिया के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोक्विनिन का यूज किया जाता है। और यहाँ पर CH3 जो है, सॉरी क्लोरो फोम है या आयोडोफोम है ना, इन आयोडोफोम का एंटीसेप्टिक के रूप में और क्लोरोफोम का एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो किनके काफ़ी सारे हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स के जो यूज किए जाते हैं, काफ़ी सारे हैं ऐसे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ से आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो अभी हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्या करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन सबसे पहले आता है हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, सबसे पहले हेलोजन एटम के बेस पर हम क्या करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन करने की, जो हेल सॉरी नंबर ऑफ है ना, नंबर्स नहीं लिखे हम लोगों ने, ये जो बेसिस है ये ऑफ नंबर ऑफ, मिटा देते हैं इसको एक बार के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, तो हेलोजन एटम के नंबर के बेसिस पर क्या होता है, यहाँ पर स्पेशली हम हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन होते हैं, मोनो हेलो एल्केन होते हैं। मोनो हेलो एल्केन में मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि वन हेलोजन एटम। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पर केवल एक हेलोजन है। एक्स जो ग्रुप है ये किसको दर्शाता है? ये हेलोजन ग्रुप को दर्शाता है ना। एक्स क्या है यहाँ पर? हेलोजन ग्रुप, तो जिसमें हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी यहाँ आ सकता है ना। उसके बाद देखिए दूसरा, जो ये फर्स्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, और दूसरा आ जाता है वो क्या है, डाई हेलो एल्कीन, डाई हेलो एल्कीन। डाई हेलो एल्कीन में कितना होगा? दो हेलोजन एटम हो जाएंगे, हेलोजन एटम यहाँ हो जाएंगे। कौन? अब देखिए यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, जैसे जैसे हमने वहाँ देखा ही था कि यहाँ एक CH3 है, सॉरी यहाँ CH2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एक एक CH2 CH2, और अब हमने जोड़ दिया यहाँ पर एक और हेलोजन ग्रुप, इधर है हेलोजन ग्रुप। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं ना। यहाँ पर हेलोजन के लिए हमको पता है हम कोई भी यूज कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कोई भी ग्रुप यहाँ हम यूज कर सकते हैं।
उसके बाद देखें तो थर्ड नंबर पर जो आता है वो है ट्राई हेलो एल्केन। क्या है? ट्राई हेलो एल्केन। देखिए ट्राई हेलो एल्केन में कितने हो जाएंगे? तीन नंबर हो जाएंगे हेलोजन के। हेलोजन एटम कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में, यहाँ CH2, इधर CH और यहाँ CH2। यहाँ एक एक्स ग्रुप हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन देखा। फर्स्ट मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम कल स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्टिंग में हैं, तो धीरे धीरे बच्चे जुड़ते जाएंगे और हम कंटिन्यू सारी क्लासें रहने वाली है और क्लास का जो टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको किसी भी वर्ड टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।